खबर सारण बिहार से, जहां मसरख थाना क्षेत्र के हनुमानगंज गांव के कतारपुर टोला में शनिवार को नहर के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार दलबल के साथ पहुंचे तथा मृत युवक का शव अपने कब्जे में ले अंतिम परीक्षण हेतु छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक नागेंद्र राय का 26 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार यादव बताया जाता है। घटना के बाद आनंद फानंद में परिजन द्वारा उक्त युवक को इलाज के लिए मसरख PHC लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की माने तो उक्त युवक सुबह सौंस के लिए घर से निकला था। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजन खोजबीन में जुट गए। काफी खोजबीन के बाद उक्त युवक नहर के पानी में मिला। आनंद फानंद में परिजन इलाज के लिए मसरख PHC लाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। पुलिस जांच में जुटी है। छपरा बिहार से मनोज कुमार सिंह के साथ दिनेश सिंह की रिपोर्ट। राम सागर प्रसाद, क्या मामला क्या हुआ? मामला उस सुबह थोड़ा लेट उठे, गए लेटिन करने के लिए नहर के पास, लेटिन में पानी छूने गए, पैर फिसल गया। उसके बाद किसी को पता नहीं, बाद में लोग खोजने लगे तो उसी पानी में मिले। क्या उनका नाम? उनका नाम कृष्णा राय। आपका नाम क्या हुआ? राम सागर राय।